इलाहाबाद के अंतर्गत मोहल्ला चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता पर उसके पुत्रों ने गोलियां चला दी। इस दौरान बुजुर्ग घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को सीएससी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि घायल की पत्नी रामवती की तहरीर पर उसके दो पुत्रों सहित एक अन्य पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि सियाराम निवासी छतैया थाना पिहानी को उसके पुत्र दिलीप कुमार सिंह यादव व पिंटू यादव ने अपने पिता को तमंचे से दो गोलियां मारी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चार दिन पूर्व सियाराम मोहल्ला चौक में अपनी लड़की के यहां आया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि जमीन को लेकर पिता और पुत्रों में काफी समय से विवाद चल रहा था। वह लगभग सवा साल से कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर हृदय में अपनी बहन के यहां रह रहा था। मंगलवार को वह अपनी लड़की के यहां आया हुआ था। उसी समय रंगे पीपल के पास उसके पुत्रों ने मिलकर अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ दो फायर कर दिए, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटनास्थल पर कोतवाल शिवशंकर सिंह सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी पुत्रों की तलाश शुरू कर दी है। पेशेंट आया था, उसका आपने क्या उपचार किया, कुछ बताएंगे? अभी एक पेशेंट आया था गनशॉट इंजरी का, उसमें कोतवाली द्वारा लाया गया था, मतलब पुलिस थाने के साथ आया था। उसमें गनशॉट इंजरी थी, उसमें एक एंट्री वुंड था और एक ऐसे ही वुंड था, मतलब टैटूइंग टाइप का। तो उसका मुझे प्राथमिक उपचार हमारे सीएससी पे जितना था हमने करके उसको इमीडिएट हरदोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए आगे उपचार के लिए उसको हमने रेफर कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.